हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी परवल की सब्ज़ी। परवल की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई और खाई होगी, पर एक बार मेरी तरह से भी बनाइए और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने परवल लिया है, ये 500 ग्राम परवल है और इसको अच्छी तरह से मैंने धुल लिया है। तो अब इसे क्या करते हैं, ऊपर का हिस्सा हम काट देते हैं, ऊपर और नीचे का हिस्सा जो होता है डंठल वाला, और इसे हम दो कट लगा लेंगे और एक तरफ से चीरा लगाएंगे, पर पूरा चीरा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीरा लगाकर ऐसे ही हमें ले लेना है। और परवल मेरा बड़ा वाला है, बड़े साइज वाला, छोटे साइज से भी ये बन सकता है, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम इसे कट लगा लेते हैं परवल को, और हमें दो भाग ही करना है। इस तरह से हमें सारे काट लेने हैं और काट के ले लेने हैं। तो ये हमने काट लिया है और अब इसे और देख लेते हैं। अब तो हमने यहाँ पे प्याज दो लिया है, बड़े साइज़ का प्याज है जिसको काट लिया है, दो हरी मिर्च है, थोड़ा सा लहसुन है, तो हम इसे भी लेंगे सब्ज़ी में, इसे डालेंगे। और साथ ही कुछ खड़े मसाले हमने लिए हैं, तो आज मैं खड़े मसाले से ही बनाऊंगी। तो हमने एक चम्मच धनिया साबुत लिया है, एक चम्मच जीरा है, एक बड़ी इलायची है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग है और थोड़ा सा काली मिर्च हमने लिया है। तो हम इसी से मसाले तैयार करेंगे और इसी से हमें बनाना है परवल को। तो सबसे पहले हम मसालों को पीस लेते हैं। हमें मसालों को बारीक पीस कर ले लेना है, पेस्ट तैयार करना है मसालों का। और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे, दो हरी मिर्च लिया है, मिर्च अपने पसंद के हिसाब से लीजिए, जितना तीखा खाना पसंद हो। थोड़ा सा हम प्याज भी ले लेते हैं इसमें, और साथ ही हमने जो लहसुन लिया है उसे भी हम ले लेते हैं। और इन सभी को हम पीस लेते हैं, बारीक पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। और साथ ही हमने ये दो पीस कटा आम है, कच्चा कटा आम है, तो हम इसे भी डाल देते हैं, इससे खट्टा सा फ्लेवर आएगा। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अब पीस लेते हैं। और इस तरह से हमने पीस लिया है इसे, तो इसे हम एक कटोरी में ले लेंगे। अच्छी तरह से हम जार को भी पानी में थोड़ा सा डाल के, पानी इसमें जार में, और उस मसालों को भी हम ले लेंगे अच्छी तरह से धुल के। तो इस तरह से हिलाते हुए हम इसको भी हम ले लेते हैं उसी कटोरी में। और अब हम क्या करते हैं, इसे ढक देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पैन रख लिया है और इसे जैसे ही गर्म होता है हम उसमें तेल डाल लेंगे। तो तेल अपने पसंद का डालिए, जिस तेल में आप बनाना पसंद करते हो, खाना पसंद करते हो, तो आप उसी तेल को इसमें डालिए। मैं वैसे सरसों तेल में ही बना रही हूँ। और इस तरह से तेल गर्म होने के बाद हम इसमें परवल को जिधर से हमने चीरा लगाया उस साइड पहले हम तल लेते हैं, और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हमें कर लेना है। और इसे उलटते पुलटते हुए हमें अच्छी तरह से लाल कर लेना है दोनों साइड से, बढ़िया सा सिक जाना चाहिए, अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए हमारे परवल में। तब हम इसे उलट देते हैं दूसरे साइड, और इस तरह से हमें परवल को खूब अच्छी तरह से तल लेना है। तो जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम उसे एक निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इस तरह से बचे हुए परवल को भी हम तल के ले लेंगे, और पैन में बचे हुए तेल से ही हम सब्जी बना लेंगे। तो थोड़ा सा हमने तेल इसमें और डाला है, तो उसको तड़का देने के लिए हम ले लेते हैं एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग लिया है और दो तेज़पत्ता हमने लिया है। तो इसे हम डाल देते हैं पैन में।
तो जैसे ही ये हल्का ब्राउन हो जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज जैसे ही भुन जाए अच्छी तरह से उसमें हम डाल लेते हैं जो हमने मसाले पीस के तैयार किए थे, अब हम उसको डालेंगे इसमें। तो अच्छी तरह से ये ब्राउन हो चुका है और हम डाल देते हैं इसमें मसालों को और अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसे चला लेंगे लो फ्लेम पे ही। हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से मसालों को। और अब डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लगभग हल्दी पाउडर है ये, और एक चम्मच हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं इसमें और इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से चलाते हुए। गैस के फ्लेम को लो रख कर ही हमें इसे भूनना है। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं, और इसे बराबर चलाकर हमें मिक्स कर लेना है पानी को मसालों में। और अब इसे हम ढक देते हैं कुछ मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे ही इसे ऐसे छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है तो चेक कर लेते हैं। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है, और इस तरह से हम मसालों को भून लेते हैं अच्छी तरह से ताकि इसमें से खुशबू आने लगे। और अब डाल देते हैं परवल को जो हमने तल के लिया था, उसे इसमें हम मिला देते हैं। तो अच्छी तरह से हम मसालों में ऊपर नीचे चलाते हुए हम इसे मिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मसाले परवल में लग जाएं। और बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे लटपट ही हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के सब्ज़ी तैयार होती है। तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी हम नहीं बना रहे हैं। हल्का सा लटपट रहेगा मसाले और इस तरह की सब्ज़ी हमें बनानी है। तो बस हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे लो फ्लेम पे ही, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और परवल में अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो हम इसे ढक देते हैं अभी। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम खोल के देख लिए हैं तो मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे एक बार हम चला देते हैं और इस तरह से हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यमी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है, एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। तो गैस को अभी हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे एक बाउल में। तो बस इस तरह से सब्ज़ी हमारी तैयार है। इसे करते हैं एक तरफ, ले लेते हैं एक बाउल, उसमें हम सब्ज़ी को सर्व कर लेंगे। निकाल लेते हैं सब्जी को। तो इस तरह से फ्रेंड्स सब्ज़ी बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। और इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में सब्जी को, क्योंकि मुझे सर्व करना है इसे कचौड़ी के साथ। और इस तरह से फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, आपको सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं इसके साथ उड़द की कचौड़ी बनाया है हमने, तो उड़द की कचौड़ी की रेसिपी मैंने पहले ही अपने वीडियो पे दे रखी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, बहुत अच्छी तरह से बताया है मैंने इसे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और सर्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।